हे व्हाट्स अप गाइस, संविद है। सो आज हम बात करने वाले हैं कि आपको क्यों M1x वाले लैपटॉप्स के लिए रुकना चाहिए, और जो 14 और 16 इंच मैकबुक प्रोज आ रहे हैं उनके लिए आपको क्यों रुकना चाहिए जो M1x प्रोसेसर्स के साथ आएंगे। और गाइस, इसी के ही ऑपोजिट एक कॉन्ट्ररी वीडियो बनेगी इसी वीडियो के, जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको क्यों नहीं रुकना चाहिए। वो आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से जज करना है। मैं आपको दोनों के रीजंस बता दूंगा। और गाइस, शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अगर आपको आज का कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो पे लाइक भी ज़रूर दबा देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। सो गाइस, शुरुआत करते हैं। मैंने एक लीक्स पे वीडियो बनाई थी रूमर्स पे, सो उसमें बेसिकली जो चीज़ें बताई थी कि बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। जो मैकबुक एयर आ रही है, जो बोलते हैं बेटर परफॉर्मेंस होगी और थिनर होगी और हायर एंड मैकबुक एयर आएगी, बेसिकली जो अभी करंट M1 वाली मैकबुक है उससे। और मैकबुक प्रो जो है उसमें 14 और 16 इंच आएगा, और वो एक्सपेंसिव होगा करंट वाले मैकबुक से, और उसमें काफ़ी सारे आपको एनहांस फीचर्स मिलेंगे, हार्डवेयर डिज़ाइन चेंजेस मिलेंगे, तो काफ़ी कुछ उसमें न्यू मिलेगा। और बेसिकली थिनर और लाइटर वर्जन होगा मैकबुक एयर का, और परफॉर्मेंस में बूस्ट होगा मैकबुक प्रो के लिए। सो गाइस, जो करंट जेनरेशन है M1 मैकबुक्स की, उससे काफ़ी ज़्यादा इनको बूस्ट मिला है सेल्स में, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा है उसका लॉन्च। पर मेन चीज़ें जो हैं इस वीडियो में मैं कवर कर देता हूँ कि आपको क्यों रुकना चाहिए, और M1 में ऐसा क्या नहीं है जो M1x में बेसिकली आएगा। आपको यही सुनना है मेरे हिसाब से कि ऐसा क्या मिल जाएगा आपको 6 महीने बाद या साल बाद जो अभी M1 में नहीं मिल रहा। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की। अब ये जो डिज़ाइन है, यही सेम डिज़ाइन इंटेल वाले मैकबुक्स में भी था। सो ये क्यों था? क्योंकि वो इतना बड़ा रिफ्रेश करके पहली चीज़ आपको डराना नहीं चाहते थे, दूसरी चीज़ वो एक एक करके चीज़ें निकालेंगे, क्योंकि एक तो उनको मॉडल्स अलग अलग रिलीज़ करने होते हैं। अगर वो सब कुछ इकट्ठे दे देंगे तो वो अगले साल क्या निकालेंगे? वो मतलब ऐसे ही $2 ट्रिलियन कंपनी तो नहीं बनी, उनको काफ़ी कुछ करना होता है उसके लिए। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती है, काफ़ी कुछ होता है। पर M1 में कोई भी डिज़ाइन चेंज नहीं था इसी रीज़न से, और जिन्होंने भी M1 लिया है वो बिल्कुल ही न्यू चीज़ में गए हैं, क्योंकि ARM64 आर्किटेक्चर बिल्कुल डिफरेंट है इंटेल के आर्किटेक्चर से, और सब कुछ डिफरेंट होता है उसमें। एप्स उसके लिए बन रही हैं, काफ़ी कुछ हो रहा है, तो परफॉर्मेंस चाहे बहुत ही सिग्निफिकेंट लीप हो इंटेल वाले प्रोसेसर से, पर ये फिर भी इन एनी केस फर्स्ट जेन है। अब ये इतना हाईली रिकमेंडेड क्यों है जबकि ये फर्स्ट जेन है? जो बोलते हैं कि फर्स्ट जेन नहीं लेना चाहिए, हमेशा रुकना चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही उसका हार्डवेयर इतना अच्छा था और जो परफॉर्मेंस है वो लैक हो रही थी पिछले मैकबुक एयर और प्रो में, वो एकदम ही एनहांस हो गई और बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल चला गया, इसलिए हाईली रिकमेंडेड में आता है अभी। सो गाइज, ये मोस्ट प्रोबेबली इतना नहीं होता अगर M1 की परफॉर्मेंस ख़राब होती, क्योंकि हार्डवेयर चेंजेस है ही नहीं। सो गाइज, हार्डवेयर चेंजेस में मेन क्या फ़र्क आएगा? जो फ़र्क आएगा वो है नंबर 1 चीज़, बेजल्स। सबको आजकल पता है कि बेजल्स कम से कम होने चाहिए, चाहे आप स्मार्टफोन्स ले लें, आप टैबलेट्स ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, उसमें बेजल्स कम होंगे, और वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी आई थिंक अपकमिंग मैकबुक्स में, कि वो बेजल्स को कम से कम करने की कोशिश करेंगे। और ये प्रूफ्स में भी दिखा है, र्यूमर्स में भी दिखा है। और गाइस, एक और चीज़ मैं बता दूं कि जो मैकबुक्स निकलते हैं अगर वो महंगे होंगे भी करंट मैकबुक प्रो से, तो $100 या $200 से ऊपर का फ़र्क नहीं होगा। और इंडिया में अगर आप 1 लाख या 1,20,000 इतने का लैपटॉप ले रहे हैं, तो 1,30 पे आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आप पहले ही इतना बजट ले जा रहे हैं अपना। सो गाइज, apple.com अवेलेबल हो गया है इंडिया में। पहले वाली चीज़ें नहीं है कि नहीं मिलता, मैकबुक आते ही मिल जाता है, 2 हफ्ते चाहे लेट होता है पर मिल जाता है, और प्राइसेस भी आपको सिमिलर मिलेंगे जो करंट जेनरेशन के हैं, और आपको बेसिकली सेकेंड जेन मिलेगा, M1 का रिफाइंड वर्जन मिलेगा जो कि अभी तक नहीं हुआ है। सो गाइज, बेजल्स का फ़र्क आएगा, और
मैकबुक एयर जो है, अगर उसमें M1x आता है, वो और थिन एंड लाइट उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और गाइस, जो एक और सबसे बड़ा फ़र्क होगा वो है ऐप्स में, और ओवरऑल जो सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं उसमें, उस पर हम अभी आएंगे। पर डिज़ाइन को लेके बेजल्स बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल सेम रहेगी, एल्यूमिनियम, और फेस आईडी के भी चांसेस हैं पर कम है, क्योंकि फेस आईडी का जो डेप्थ सेंसर है वो थोड़ा ज़्यादा मतलब हैवी होता है, और स्क्रीन काफ़ी पतली होती है, इसलिए उसके चांसेस कम हैं। लेकिन 5G, फेस आईडी, ये सब फ्यूचर जेनरेशन्स में आएंगे, और अगर आप M1X के लिए वेट करते हैं तो आपको प्रॉब्ली ये सब मिलेगा। और गाइज, हार्डवेयर में ही होगा मेजर चेंज, सिग्निफिकेंट लीप नहीं होगा M1 से M1X में, अगर आप प्रोसेसिंग पावर को देखें, क्योंकि वो पहले ही बहुत बड़ा लीप था। सो गाइज, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, एक बारी जब हार्डवेयर कवर हो गया तो नेक्स्ट चीज़ जो है वो है सॉफ्टवेयर और एप्स और बाकी सारी जो चीज़ें हैं। सॉफ्टवेयर में ये है कि चाहे आप कुछ भी कह लें, जब मैंने M1 परचेज़ किया था अपना मैकबुक एयर, वो अभी भी मतलब चीज़ें डेवलपमेंट में हैं। जब तक आप M1X पे आएंगे वो केस नहीं होगा, चीज़ें एकदम स्मूथ हो चुकी होंगी। अभी भी हैं एप्पल की ऐप स्पेसिफिकली, सब कुछ एकदम स्मूथ चलती है, फाइनल कट ले लो या आई मूवी ले लो या ये सब चीज़ें ले लो। जो मेन सॉफ्टवेयर्स हैं वो बिल्कुल सही चलते हैं। मैंने इस पे काफ़ी कुछ चला के दिखाया हुआ है, आप अलग वीडियोस में देख सकते हैं, लेकिन काफ़ी वीडियोस में मैंने ये भी दिखाया है कि ये सब कुछ, ये सारे जो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, इनका अभी फर्स्ट वर्जन निकला है, ये बीटा टेस्टिंग में है। वो सॉर्ट ऑफ टेस्टिंग में है और आपको स्टेबल बिल्ड अभी तक नहीं मिली है। अगर आप M1X तक रुकते हैं तो होपफुली ये काफ़ी आगे तक पहुँच चुके होंगे, और आपको सीधा जो लैपटॉप मिलेगा उसमें ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, और सीधा आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे लोग देखते रहते हैं कि ये वाला सॉफ्टवेयर आया है या नहीं आया, क्योंकि उनको कॉलेज के लिए चाहिए, वर्क के लिए चाहिए, उसमें आपको ये इश्यूज़ नहीं आएंगे, क्योंकि मोस्टली चीज़ें चल रही होंगी। और गाइस, नेक्स्ट चीज़ जो है वो है ऐप्स। आईफोन iOS वाली जो ऐप्स हैं, iPadOS वाली जो ऐप्स हैं, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, पर वो बहुत कम है, क्योंकि वो भी नहीं बनी है अभी तक M1 के लिए इतनी। और जैसे आप इंस्टाग्राम देख लें, ये सब देख लें, वो M1 के लिए अभी तक नहीं बना है, और ARM64 आर्किटेक्चर के लिए नहीं बना है। और जब तक M1X आएगा, काफ़ी कुछ मतलब पॉपुलेट हो चुका होगा, अगर मैं इजी टर्म्स में बोलूं, जो कि अच्छी चीज़ है, और आपको मतलब एक सॉर्ट ऑफ स्टेबल बिल्ड वाला लैपटॉप मिलेगा। अभी आपको जो मिल रहा है, आप सॉर्ट ऑफ बीटा टेस्टिंग में मैं कहूँगा हो, और परफॉर्मेंस जितनी भी अच्छी हो, अगर आपका सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, चाहे लैपटॉप कितना भी अच्छा हो, आपको ये चेक करना है कि आपका सॉफ्टवेयर चलता है या नहीं चलता। और गाइज, मैंने इसमें चीज़ें चला के दिखाई थी, पाइथन चलाया था, डेटा साइंस वाली, एल्गोरिथम्स चलाई थी मशीन लर्निंग वाली, और जैसा आपने देखा था जब आया था तो टेंसर फ्लो नहीं चल रहा था, इंस्टॉल ही नहीं होता था, फिर इंस्टॉल होना शुरू हो गया, फिर गाइज अलग अलग एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई, फिर वो चल रही थी। धीरे धीरे करके हो रहा है ये सब, और मैंने अपने चैनल पे काफ़ी कुछ दिखाया है कि क्या क्या रेडी है, अगर किसी को वो चेकआउट करना है और आपने अभी तक वो नहीं देखा है उसको चेकआउट कर सकते हैं। बट मेन फोकस होगा M1X पे, प्रोसेसिंग पावर का इतना नहीं, बट हार्डवेयर चेंजेस और साथ में जो सॉफ्टवेयर आपको बनी बनाई जो चीज़ें पहले से मिल जाएगी और आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ये फ़र्क होगा। अगर आपको इन सब में इंटरेस्ट है तो आपको M1 को अभी के लिए भूल जाना होगा, क्योंकि अगर आप अभी M1 परचेज़ करते हैं तो आप इन चीज़ों पे मिस आउट कर सकते हैं। और गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही, एक और वीडियो आएगी जो इसका बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट करेगी, और आप देखेंगे कि आपको कौन सा चूज़ करना है। उसके लिए चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर रहना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।